अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? हसीना माई। मददगार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा तो माँ जी ये जो हम जहाँ जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ आप क्या करती हैं? इसे बच्चों को पढ़ानी है। बच्चों को पढ़ाती हैं? बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे कौन से? ये कुरान पाक बच्चे पढ़ने आते हैं? जी कुरान पाक पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो माँ जी कितने बच्चे आ जाते हैं आपके पास कुरान पाक पढ़ने वाले? 15-20 बच्चे माशाल्लाह पढ़ने आते हैं आपके पास हैं। जी तो ये आपकी बेटी है? जी अब मेरी बहन की बेटी है। बहन की बेटी है। तो आपके बच्चे? मेरे बच्चे का नहीं। बच्चे नहीं है? नहीं। सही। तो वो ये आपने बच्चियों को लेकर पाला हुआ है? जी पाला हुआ है। माशाल्लाह से पढ़ाने की पाला हुआ है। आपने को रखी हुई है पढ़ाई नहीं रही हूँ। खर्चा खत्म थी मेरी हस्ती नहीं काटी मैं वाल हूँ जड़े तक सेंटर है सट्टे सिलाई सेंटर जी सिलाई सेंटर है। सही माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये वाकई में माशाल्लाह से मैं कहती हूँ ये माँ बहादुर है कि इन्हीं के पास वो कहती इतने वसाइल नहीं थे कि बच्ची को मैं पढ़ा सकती आगे तो, लेकिन अब जो है वो बच्ची को इन्होंने सिलाई सेंटर में भेजा हुआ है तो बच्ची वहाँ जाके सिलाई वगैरह सीख रही है। जी तो माँ जी जो है वो आपके मियाँ जी वो कहाँ हैं? वो फौत ही गए 20 साल से ही गए। 20 साल हो गए? जी 20 साल। तो ऐसे अकेली रह रही हैं आप यहाँ? जी। तो किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? बस सही गुजर गई जेड़े नसीब आई वो अगर अल्लाह से वसैल बनाया जाए रोजी दस जिमें करेनी है बच्ची को पाले मैं अपनी रोजी करेनी है। हूँ मैं मरीज बन गया जोड़ा जी मेरी हूँ इतनी हस्ती नहीं कटे जी। माशाल्लाह से माँ जी आप देखें ना कि आप तो काम ही इतना प्यारा कर रही हैं बच्चों को माशाल्लाह से दीनी तालीम दे रही हैं जी, जी। तो वो उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके वालदैन बच्चों के हैं तो वो फिर आपकी हेल्प करते हैं? जी थोड़ी बात करे जन कुरान शरीफ मुका। अच्छा कि जब वो बच्चा कुरान पाक ख़त्म कर लेता है तो फिर आपकी वो हेल्प लाजमी करते हैं? सही। तो बच्ची को कितना पढ़ाया है आपने? 8 जमात पढ़ाए हूँ हस्ती नहीं करें जी बात करा नहीं पढ़ा रही नहीं पढ़ा रहे। माँ जी कह रही हैं कि बच्ची को इन्होंने 8 जमातें पढ़ाई हैं और फिर इनके बाद इतने पैसे नहीं थे क्योंकि स्कूल ये गांव में रहते हैं तो स्कूल काफ़ी दूर था तो इनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि बच्ची को जो है वो आगे पढ़ा सकती तो इन्होंने 8 जमातें माशाल्लाह से बच्ची को पढ़ाई हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना माशाल्लाह। कितनी है जी आमना आपकी? 14 साल। 14 साल माशाल्लाह। और आमना आजकल क्या कर रही है? मैं सिलाई सीख रही हूँ। सिलाई सीख रही हैं जी। तो कितना महीने हो गए हैं या कितना अच्छा होगा सीखते हुए आपको? चार महीने हो गए हैं। तो 4 महीने माशाल्लाह जी। तो कितना सीख लिया है सारा कंप्लीट या अभी नहीं? नहीं अभी आधा रहता है। लेडीज सीख लिया है थोड़ा सा वो भी रहता है और जेंट्स अभी सीखना है। जेंट्स सीखना है तो कितने महीने लग जाएंगे? और 4 महीने और लगेंगे तकरीबन ये साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चले माशाल्लाह से साल का जो है वो आमना का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह ताला आमना को कामयाब करें और आमना के नसीब अच्छे करें। आमना माशाल्लाह से बहुत प्यारी है और आमना के नसीब भी अल्लाह ताला ऐसे ही प्यारे आगे बनाए। ये माँ जी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए 4000 रुपये हैं आप ये इनको पकड़ें और इनसे अपना राशन वगैरह ले लें। माँ जी आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए किया जाए? मैं चाहती हूँ भाई जड़ा सब मेरे को राशन मिला मुझे हर महीने। अच्छा मैं अपने जड़ा राशन वाला मेरा खर्चा बचे मैं अपना इलाज कर गई ना अपने बिल भरने घर के खर्चे बहुत ज्यादा थी वे दिन। नहीं तो माँ जी आपका जो अब गुजारा हो रहा है वो किस कैसे गुजारा हो रहा है किस तरह से कर रही हैं? लोग हेल्प करते हैं। अच्छा लोग फिर हेल्प कर देते हैं कोई ना कोई तो इस वजह से फिर आपका हो जाता है जी। तो ये माँ जी कहती हैं कि अगर मुझे हर महीने जो है वो राशन अगर मिल जाए तो मेरा जो है वो जो लोग देते हैं अगर वो पैसे बच जाएंगे तो वो उनमें से ये इलाज करवा लेंगी। मैं अपने सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मेरे बहन भाई इस फैमिली को इस माँ जी को और इस बच्ची को देख रहे हैं और जो भी हेल्प करना चाहता है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस माँ जी की जल्द से जल्द हेल्प हो सकें और अपनी बच्ची के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के पाकिस्तान जिंदाबाद।